नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। सिवनी मालवा नगर में ठगी के दो मामले बुधवार को सामने आए हैं, जिसमें दो युवकों ने पुलिसकर्मी बनकर एक बुजुर्ग के सोने की बस अंगूठी लेकर फरार हो गया। वहीं दूसरे बुजुर्ग जो कि अस्पताल गए हुए थे, उनको आरोपी ने अस्पताल में उनसे कहा कि साहब आपको बाहर बुला रहे हैं, जिस कारण बुजुर्ग बाहर आए, जिसके बाद आरोपी ने कहा कि आपकी चेन व अंगूठी दिखाएं। और एक चोरी की घटना यहां पर भी हुई है। आरोपी चेन व अंगूठी लेकर जाने ही वाले थे, तभी बुजुर्ग ने शोर मचा दिया, जिससे डर के आरोपी गहने छोड़कर भाग खड़े हुए। मामला सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक जगह की घटना निजी अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं जानकारी के मुताबिक मारुति मंदिर के पास रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक एस एल तिवारी मंदिर से लौट रहे थे, तभी कल्लू चौक के पास दो युवक आए और बुजुर्ग से बोले कि आगे साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप सोने के जेवर तो नहीं पहनते हैं, तो उनकी तलाशी ली। जब जेब में कुछ नहीं मिला तो उनके हाथ में पहनी हुई अंगूठी निकाल ली और उनके जेब से कागज में बांध कर कुछ रख दिया, जिससे बुजुर्ग को लगा कि उनकी अंगूठी जेब में रखी होगी। जब घर जाकर देखा तो जेब में पत्थर रखे हुए थे और दोनों युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया था और आगे कहा कि आगे लूट की घटना हुई है। वहीं एक चोर सोने की चेन व अंगूठी लेकर भागा है और आप अपनी अंगूठी भी दिखाएं। वहीं बुजुर्ग ने पुलिसकर्मियों को अपनी अंगूठी दिखाई, जिसकी जांच करने के बाद दोनों युवकों ने एक कागज में अंगूठी लपेटकर बुजुर्ग को दे दी। जब तक बुजुर्ग को पता चलता तब तक आरोपी अंगूठी लेकर फरार हो चुके थे। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के जुड़े रही है डीवी न्यूज के साथ।